जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि पराशर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वैदिक सूक्तों के दृष्टा और ग्रंथकार के रूप में प्रसिद्ध गोत्र प्रवर्तक ऋषि पराशर शक्ति मुनि के पुत्र एवं महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इनकी माता का नाम अदृश्यंती था, जो उत्तथ्य मुनि की पुत्री थी। कहीं कहीं इन्हें पराशर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार पराशर प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि परंपरा की श्रेणी में एक महान ऋषि थे। महर्षि पराशर का जन्म अपने पिता शक्ति की मृत्यु के बाद हुआ था, तथापि गर्भ अवस्था में ही उन्होंने पिता द्वारा कही हुई वेद ऋचाएँ कंठस्थ कर ली थी। प्रमुख योग सिद्धियों के द्वारा अनेक महान शक्तियों को प्राप्त करने वाले ऋषि पराशर महान तप और साधना भक्ति द्वारा जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता महर्षि पराशर जी का दिव्य जीवन चरित्र अत्यंत अलौकिक व अद्वितीय है, जिन्होंने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, विषयक ज्ञान मानव मात्र को दिया है। दोस्तों महर्षि पराशर के द्वारा रचित ग्रंथ हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, लघु पराशरी, बृहद पराशरीय धर्म संहिता, पराशर धर्म संहिता, पराशरोदितम, वास्तुशास्त्रम, पराशर संहिता, आयुर्वेद, पराशर महापुराण, पराशर नीति शास्त्र आदि मानव के लिए कल्याणार्थ रचित ग्रंथ हैं। प्राचीन काल के शास्त्रियों में प्रसिद्ध पराशर के नाम पर ऋग्वेद के कई सूक्त हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि पराशर के पिता शक्ति मुनि का देहांत उनके जन्म के पूर्व हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनके पितामह वशिष्ठ जी ने किया था। यही ऋषि पराशर वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता थे। अपने पितामह वशिष्ठ के द्वारा पालन पोषण किए जाने और उनके पास ही रहकर विद्यायन करने के कारण पराशर वशिष्ठ को ही अपना पिता समझते थे। एक बार पराशर की माता अदृश्यंती ने पराशर से कहा, पुत्र जिन्हें तुम पिता कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे पिता नहीं पितामह हैं। पराशर के पूछने पर माता अदृश्यंती ने समस्त जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी कि किस प्रकार तुम्हारे पिता को राक्षस ने तुम्हारे जन्म से पूर्व ही मार डाला था। महाभारत आदि पर्व अध्याय 170 से 180 के संक्षेप में अनुसार जब पराशर बड़े हुए तो माता अदृश्यंती से उन्हें अपने पिता की मृत्यु का पता चला कि किस प्रकार राक्षस ने इनके पिता का और परिवार के अन्य जनों का वध किया। यह घटना सुनकर वह बहुत क्रोधित हुए और राक्षसों सहित समस्त लोगों का नाश करने के लिए उद्यत हो उठे। वशिष्ठ ने उन्हें बहुत समझा बुझा कर शांत किया, परंतु क्रोधाग्नि व्यर्थ नहीं जा सकती थी, अतः समस्त लोगों का प्रभाव न करके पराशर ने राक्षसों के नाश के लिए राक्षस सत्र नामक यज्ञ आरंभ किया। सत्र में प्रज्वलित अग्नि से अनेक निरपराध राक्षस भी नष्ट होने लगे। इस प्रकार इस महाविनाश और दैत्यों के वंश की समाप्ति हो जाने की आशंका को देखकर निर्दोष राक्षसों को बचाने के लिए पुलस्त्य समेत अन्य ऋषियों ने पराशर ऋषि को जाकर समझाया और कहा कि ब्राह्मणों को क्रोध शोभा नहीं देता, शक्ति का नाश भी उसके दिए शाप के फलस्वरूप ही हुआ, हिंसा ब्राह्मण का धर्म नहीं है। इस प्रकार समझा बुझाकर उन्होंने पराशर का यज्ञ समाप्त करवा दिया और संचित अग्नि को उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास वन में छोड़ दिया। वह आज भी वहां पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों तथा पत्थरों को जलाती है। महाभारत की ही एक कथा के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एक बार भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करने वाले थे। उसी दिन महर्षि पराशर का एकादशी का व्रत था तथा उन्हें मकर संक्रांति का स्नान भी करना था। उस समय महर्षि पराशर प्रभास क्षेत्र में थे और वहां से उन्हें यमुना को पार करके फिर कन्याकुब्ज की सीमा में प्रवेश करना था। वह यमुना के तट पर पहुंचे और उन्होंने मल्लाह को पुकारा। मल्लाह घर पर उस समय नहीं था, उसकी बेटी मत्स्यगंधा घर पर थी, जिसके शरीर से सदा मछली की बदबू आती रहती थी। मल्लाह ने उसे एक मछली के पेट से निकाला था और उसके शरीर से मछली की गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ गया था। उसका वास्तविक नाम मत्स्योदरी था, उसका सत्यवती नाम भी था। मत्स्यगंधा ने बताया कि उसके पिता अभी जंगल में कहीं गए हुए हैं। महर्षि ने कहा कि उन्हें अतिशीघ्र अभी उस पार जाना है और इसके बाद भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।
समझ में नहीं आता कि कैसे उस पार जाया जाए। मत्स्योदरी ने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु महर्षि ने कहा कि तुम ही नाव चलाकर उस पार ले चलो। महर्षि के प्रस्ताव को मत्स्योदरी ने अस्वीकार कर दिया। इस पर महर्षि ने कहा कि यदि उसका व्रत खंड होगा तो उसका पाप तुम्हें भी भुगतान करना पड़ेगा। यह सुन मत्स्यगंधा भयभीत हो गई और उसी क्षण नाव खोलकर महर्षि को बिठा नाव लेकर चल पड़ी। जब नाव कुछ दूर चली गई तो महर्षि का चित्त विचलित होने लगा और उसमें वासना चलायमान हो गई। महर्षि ने ध्यान लगाया तो भव्यता उन्हें दिखाई दी। उन्होंने आँख खोली और फिर मत्स्यगंधा का हाथ पकड़कर प्रणय के लिए आग्रह करने लगे। महर्षि को काम के वशीभूत देख मत्स्यगंधा बोली कि हे ऋषिवर, आप एक पूज्य एवं अतिश्रेष्ठ दिव्य व्यक्तित्व हो, यह व्यवहार आपके लिए शोभा नहीं देता। महर्षि ने कहा कि ऐसा करने पर तुम भी मेरे प्रताप से सामान्य स्त्री नहीं रह जाओगी और जो तुम्हारे शरीर से सड़े मछली की बदबू आती है उसे मैं अपने तपोबल से दूर कर पुष्प गंधा बना दूंगा। हमारे संपर्क से तुम्हारा कन्या भाव नष्ट होगा और तुम्हारे शरीर की दुर्गंध दूर होकर एक योजन तक सुगंध फैलने लगेगी। यह वर पराशर ने सत्यवती को दिए। महर्षि ने अपने तपोबल से उसे अति खूबसूरत एवं मनमोहक सुगंध बिखेरने वाली युवती बना दिया, जिससे चारों दिशाएं भीनी भीनी मीठी सुगंध से सुगंधित हो उठी। इस पर मत्स्यगंधा बोली कि ऐसे खुले आकाश के नीचे यह कार्य निंदनीय है। इस पर महर्षि पराशर ने अपने उद्योग से वहां घना कोहरा उत्पन्न किया, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो गया। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कोहरे का जन्म महर्षि पराशर के द्वारा हुआ था, तभी से कोहरा पड़ना शुरू हो गया। महर्षि के इस चरित्र का सांकेतिक उल्लेख कालिदास ने भी कुमार संभवम में किया है। इस प्रकार मत्स्यगंधा एवं महर्षि पराशर के इस संयोग से महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने चारों वेद एवं 18 पुराणों की रचना की। मत्स्यगंधा के पुष्पगंधा बनने की इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि महर्षि पराशर एक ज्योतिषाचार्य नहीं अपितु एक कुशल एवं उत्कृष्ट चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ भी थे। इन्होंने स्मृति शास्त्र की भी रचना की, जिसे पराशर स्मृति के नाम से जाना जाता है। 12 अध्यायों में विभक्त पराशर स्मृति में इनके प्रणेता भगवान वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर ने चारों युगों की धर्म व्यवस्था को समझकर सहज साध्य रूप में धर्म की मर्यादा निर्दिष्ट की है तथा कलयुग में दान धर्म को ही प्रमुख बताया है। इसके प्रथम अध्याय के अनुसार सतयुग में प्राण, अस्थिगत, त्रेता युग में मासंगत, द्वापर युग में रुधिर में तथा कलयुग में अन्न में बसते हैं। कलयुग में आचार विचार परिपालन मुख्य धर्म है। तृतीय अध्याय में शिशुओं, गर्भपति में अशोच एवं यज्ञोपवीत होने तक अशोच व्यवस्था वर्णित है। चौथे अध्याय में गर्भपात को ब्रह्म हत्या तुल्य मानते हुए इससे दूना पाप का भागी होना बताया है। दोस्तों, इसके छठे अध्याय में किसी भी प्राणी के वध को पाप कहा गया है तथा उनके पश्चाताप का विधान बताया गया है। नौवें अध्याय में स्त्री, बालक, सेवक, रोगी तथा दुखियों पर कोप न करने का निर्देश है। 12वें अध्याय में किसी पापी के साथ शयन, संसर्ग, एक आसन पर बैठना तथा भोजन करना भी पाप कहा गया है। इसके प्राश्चित के लिए गोव्रत पालन का निर्देश है। पराशर ऋषि ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से ज्योतिष के उनके ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पराशर के द्वारा रचित बृहस्त पराशर होरा शास्त्र अत्यंत प्रचलित है। इन्होंने फलित ज्योतिष सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि मैत्रेय के द्वारा आचार्य पराशर से ज्योतिष के 3 अंगों के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए विनती किए जाने पर पराशर ने होरा, गणित और संहिता 3 अंगों का वर्णन किया था, जिसमें होरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और होरा शास्त्र की रचना महर्षि पराशर के द्वारा हुई है। महर्षि पराशर के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का उल्लेख परवर्ती विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार भीष्माचार्य ने धर्मराज को पराशरोक्त गीता का उपदेश किया है। पराशर रचित पराशदोतितम का विश्वकर्मा ने अपने ग्रंथ वास्तुशास्त्र में उल्लेख किया है।
दोस्तों पराशर ज्योतिषियों का गोत्र है। कहा जाता है कि इस गोत्र के लोग ज्योतिषीय गणनाएं न भी करें तो भी ये भविष्य देखने के प्रति और पराभौतिक दुनिया के प्रति अधिक झुकाव रखने वाले लोग होते हैं। भारद्वाज और कश्यप गोत्र की तुलना में ये लोग समस्याओं के समाधान एक साथ और स्थायी ढूंढने की कोशिश करते हैं और अधिकतर सांसारिक समस्याओं से पलायन करते हैं। ऐसे में परा से इन लोगों का अधिक संपर्क होता है। मत्स्य पुराण अध्याय 201 के अनुसार इनसे प्रवर्त पराशर गोत्र में गौर, नील, कृष्ण, श्वेत, श्याम और धूम्र 6 भेद हैं। गौर पराशर आदि के भी अनेक उपभेद मिलते हैं। उनके पराशर, वशिष्ठ और शक्ति 3 प्रवर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया पराशर गोत्र के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।